मैं तो तेरी दासी बनूंगी, कहिया तुझे जाने न दूंगी, लहरों में भर लूंगी, तुझे जाने न दूंगी। तो यमुना जी लहरों में कह रही है, बाहों में कह लो, बाहों में भर लूंगी, कहिया तुझे जाने न दूंगी। बोलो राधे 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 राधे। ये निष्काम प्रेम है भगवान। तो आप लोगों को मैंने 16108 विवाहों का वर्णन सुनाया। उनमें रुक्मणी जी की एक बहुत अच्छी रोचक प्रसंग आता है। समस्त रानियों में रुक्मणी जी शांत वृत्ति वाली है। आज तक किसी सैनिक ने उनको क्रोध करते हुए नहीं देखा। जो भी द्वारपाल है, माता जी प्रणाम, कभी किसी को खीर देती है मैया, कभी किसी को हीरो का हार देती है, कभी पूछती है अरे भैया तुम्हारे यहाँ पे सबसे कुछ तो है, तुम्हारी पत्नी बच्ची सब ठीक है, तो इतना स्नेह करती है जैसे माँ अपनी संतान का करती है। तो सब जा जाकर के द्वारकाधीश की सभा में रुक्मणी जी की तारीफ करते हैं। बाकी और रानियों को जो गुस्सा भी आता है, प्रतिस्पर्धा भी होती है। एक बार स्वर्ग से एक वृक्ष आया, उस वृक्ष के फूल सत्यभामा जी कहने लगे कि मैं तो पूरा वृक्ष छीन लूंगी और लड़ाई करा दी। पारिजात पुष्प का वृक्ष था, स्वर्ग का पारिजात का वृक्ष गोरखपुर में। हमारे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भजन किया है, जो राधा कृष्ण को साक्षात देखते थे अपनी आंखों से। उन्होंने पद्म रत्नाकर ग्रंथ लिखा है, अगर हो सके तो इसको पढ़ना, भगवान को मिले थे। तो भगवान कभी कभी अपने धाम से कुछ चीज भक्तों को दे देते हैं, विलक्षण होती है। और गोपाल जी ने भाई जी को कहा भी था कि अनधिकारी को हमारे दर्शन मत कराए करो। बोलो राधे राधे, क्योंकि भगवान को अगर अनधिकारी दर्शन करेगा तो भगवान को भी वो अपनी सेवा कराएगा। अरे गोपी तक ने अपनी सेवा करा ली भगवान से। भगवान को तो वही पाए जो भगवान की सेवा में अपना तन मन धन सब अर्पित कर दे। ऐसे साधु संत, साधु से होए न कारज हानि। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऐसे भक्त से किसी की हानि नहीं होती, वो सबके लिए लाभदायक होता है। जो भगवान में डूबा हुआ है भगवान में डूबाते हैं। तो रुक्मणी जी की तारीफ सुन करके सैनिक बोलते हैं कि कभी मैया क्रोध नहीं करती है। तो कन्हैया तो टेढ़े हैं, बोले आज इनको क्रोध करा के देखो। और कन्हैया जब आए सांझ के समय अपनी राजसभा से, तो रुक्मणी जी ने सुंदर सोने के थाल में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भोजन भगवान व्यंजन बनाए, भगवान के हाथ धुलवाए। लेकिन भगवान के चेहरे पे रोज तो मुस्कुराते हुए आते थे। हासम हरे रमणिता अखिल लोक त्रिप्र, जिनकी हंसी से अखिल लोक प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो वे आज गंभीर मुद्रा में मुख फुलाए हुए हैं। तो रुक्मणी जी गंभीर होकर के एक टुकड़ा तोड़ा, लीजिए स्वामी। तो मुख फेर, अरे स्वामी क्या कोई इस दासी से गलती हो गई? बोले नहीं कहीं कुछ लीला कर रहे हैं, अपने गुस्सा कराना चाहते हैं, क्रोध कराना चाहते हैं। फिर पूछी ने रुक्मणी जी ने कि कोई हमसे त्रुटि हो गई, गलती हो गई? तो भगवान बोले गलती, अरे आप गलती करी जा रही है और पूछती है गलती, कोई एक गलती हो तो बताएं। बोले प्रभु बताइए, मैं सुधारूंगी अपनी गलती। बोले सुनो, राजपुत्री सीता भूपेर लोक पाल विभूति भी महानुभावे श्रीमद भी रूपोदारी बलोर्जिते।
तान प्राप्तानार्थिनो हित्वा चेद्यादीन स्मर दुर्मदा दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्मान्नो प्रवशेस्मान् राजभ्रो विप्यत सुभ्रो समुद्रम शरणं गतान् बलवद्धी द्वेषान् प्रायश्चित्त नपासना। भगवान कहने लगे, अरे आपको वर करने के लिए इतने सुंदर सुंदर राजा आए थे और आपने हमारा ही नाम का रट्टा लगाया, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसे वर को क्या वरूं जो जल में मर जाए, मैं तो वरूं बिन गिरधर को, मेरा सुहाग अमर हो जाए, मेरा सुहाग अमर हो जाए। रुक्मणी जी ने बड़े बड़े राजा आए थे, सुंदर थे, बड़े चक्रवर्ती सम्राट, और मुझ काले कलूटे में तुमने क्या देख लिया, न रूप का न गुण का, और तो और मेरे तो माई बाप का भी पता नहीं है। बोलो राधे राधे, अब कितनी गलती कर दी, कोई तो मुझे नंद का लाला कहता है, कोई मुझे वसुदेव का बेटा कहता है, अब बच्चे को क्या मतलब किसकी संता। बोलो राधे राधे, कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बाप है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और तुम बहुत डींग हाँकती हो, मेरी खाली पीली तारीफ करती हो कि मैं बहादुर हूँ, बहादुर मेरे बहादुरी के कारण मैं तो पता है ना, हम युद्ध छोड़ के भगोड़े हैं। ठीक है और कुछ? भगवान ने एड़ी से चोटी तक के जोड़ लगा रहे और देखते हैं पीछे से गुस्सा आया कि नहीं आया, तो फिर एक बम छोड़ दिया, जैसे आजकल रूस और यूक्रेन में छोड़ रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर, तो भगवान जी ने एक बम छोड़ दिया कि देखो सुंदरी, देखो रुक्मिणी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। और ये बात तब कह रहे हैं जब 10 बच्चों के बाप बन गए, इतने हाँ झूठ मूठ की बात नहीं है, 16108 रानियों के 10-10 बेटे हुए। बोलो राधे राधे, भगवान होलसेलर है, पूरे होलसेल का काम है, रिटेल का काम नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण, क्योंकि वेदों में भी कहा है पूर्ण ब्रह्म पूर्ण मद पूर्ण विदम पूर्णा पूर्ण मदच्छति पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवावशिष्य। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर आप कहो तो मैं शिष्यपाल से बात करूं। बोलो राधे राधे, इस बात की बात, गुडम गुडम स्वाहा मंगलम भगवान विष्णु। अब ये बात तो नहीं सहन कर सकते, भगवान से बिछड़ना, अरे भगवान को पाना कितना कठिन है, भगवान के चरणों को पाकर के कोई किसी की बनेगी क्या? मीरा देखो क्या किसी की बनी, झूठ मूठ में शादी भी कराई राजा भोज से, लेकिन राजा भोज से कहा कि हमें छुइए मत, हम श्री कृष्ण की दासी, तो उन्होंने सम्मान किया, उनको छुआ स्पर्श तक भी नहीं किया और उनके लिए मंदिर बना दिया, भजन किया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके शेष मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो रुक्मिणी जी खड़ी खड़ी गिर पड़ी और जैसे वो धरती पे गिरने वाली ही थी, तुरंत भगवान अरे क्या चतुर्भुज बन गए, दो हाथ थे चार खोल बना ली, अपनी गोद में रख लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की जय। एक हाथ से जल का चीटा लगाया, एक हाथ से उनको पंखा किया और जगाने का प्रयास किया, देवी जागो, अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, हम तो हास पर हास कर रहे हैं, देवी अयम ही परमो लाभ। ये श्लोक बोलो हाथ जोड़ के, बोलो अयम, अयम जोर से बोलो अयम। आने वाले को मत देखो क्या चढ़ा रहे, आप अपना देखो क्या चढ़ा हुआ। बोलो राधे राधे, बोलो अयम ही परमो लाभ, ग्रहेषु ग्रह मेधिना, ग्रहेषु ग्रह मेधिना, यन्न
मैंने प्रिया धीरु भ्रामिनी। अरे देवी उठो उठो जागो जागो। अरे हम तो हाथ पर यास कर रहे हैं, देखो घर गृहस्थी का यही तो सुख है। पति अपनी पत्नी से थोड़ा हास परिहास कर लेता है। जिस प्रकार से तुम मुझे प्यार करती हो, मेरा प्यार आपसे दुगना है। बोलो राधे राधे राधे। मेरा प्रेम आपसे बोलो बोलो दुगना है। ऐसा नहीं होता, और दूर रह के प्रेम और बढ़ता ही। बोलो राधे राधे। पास में तो खटपट हो जाती है, घर में हो खटपट चलो बाबा जी के मठ में। बोलो राधे राधे। आपके घर में किस किस की खटपट होती है, हाथ उठाओ। जिस जिसके घर में खटपट होती है दोनों हाथ उठाओ। देखिए सबके हाथ उठ रहे हैं, तो घर पे हुई खटपट चलो बाबा जी के मठ पर वृंदावन वही राधे राधे होगी। अम्मा के घर पे नहीं होती ना, 10 साल से ही है घर पे। इनको 10 साल से कह रहे हैं वृंदावन चलो वृंदावन चलो। 70 वर्ष की थी जब ये मैंने इनसे कहना शुरू किया, और आज कितने की हो गई? नहीं इनकी गिनती बढ़ती नहीं घटती है, 60 ग्राम। एक बार भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। क्योंकि फिर से बोली हरे कृष्ण जीवन। अगर हंसते खेलते कोई ज्ञान दे तब तो आनंद ही है। कोई ज्ञान ऐसे नहीं कि मुंह खुला के बैठे देखो सुनो ऐसे राजा थे ऐसे रानी थी ये कथा वो, ऐसे नहीं आनंद आता। थोड़ा आस परियास होने लगना चाहिए। और वास्तविकता है हमारे हिंदू सनातन धर्म की, जो जो व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है तो गिनती में तो बढ़ रही है, लेकिन वो उतना ही सरल और भोला बचपन जैसा होता है। होते हैं शरीर भले ही बुढ़ापे का हो लेकिन उसका मन बच्चे जैसा हो जाता है। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए बचपन में और बुढ़ापे दोनों अवस्थाओं में भगवान का भजन लगता है। जवानी का भजन तो डुलमुल होता है। बोलो राधे कभी योग में कभी भोग में है, लेकिन बचपन में और बुढ़ापे में एक जैसा भजन होता है। अब प्रभु कृपा करो सबका जी भजन। ये बोला गुरु तो रुक्मणी जी ने उनको बताया कि देखो प्रभु आपने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूं मैं काला हूं। अरे प्रभु काले होकर के तो ये गजब धाते हो, अगर आप गोरे होते तो क्या करते। हमारे नैनों में तो आप साफ सुंदर ही बसोगे और कोई दूसरा नहीं आ सकता। जिन नैनन में शाम बसे अब दूजा कौन समा। बोलो राधे 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 राधे। और कहते हो कि आपका कोई माई बाप नहीं है। बोले आप सही करो, आपका कोई माई बाप नहीं है, आप सबके माई बाप हो। त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् अमृतेव देव। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी का भजन गाने के लिए हमें से बोला गया था तो ये प्रसंग बड़ा अच्छा लगा, और ये प्रसंग से एक ही शिक्षा लेनी है।